अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल एल्बो मैक्रोनी रेसिपी। सो लेट्स गो फॉर द रेसिपी। एल्बो मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है। इसको मैंने जो है छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें चिकन का कीमा यूज़ कर लें। मैंने जो है वो फुल पीस लेके इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ मैंने एल्बो मैक्रोनी ले लिए 400 ग्राम। ये 400 ग्राम है और ये पतीले में मैंने पानी रखा है नल का। अब इसको मैं बॉईल करने रखूँगी। आप अपना फ्लेम ऑन कर लें। फ्लेम ऑन कर दिया, पानी में बॉईल आएगा तो इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। और इसमें अभी मैं नमक डालने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है मैं नमक डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपके नहीं। ये मैक्रोनी बॉईल करने का तरीका है। अभी पानी में बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। ये पानी में बॉईल आने लगा है, अब मैं इसमें जो है वो एल्बो मैक्रोनी ऐड कर दूंगी 400 ग्राम। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल हो रही है, इसमें आपने थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चला लेना है और इसको चेक करते रहना है। जब ये वेल डन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसको आपने सारा पानी इसका ड्रेन कर देना है। ठीक है, और इस पर ठंडा पानी डालना है। तो अभी जो है वो इसमें टाइम है, तो जब ये वेल डन होगी तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैक्रोनी मेरी ऑलमोस्ट डन पे है, इसको मैं चेक करूँगी कि ये फुल डन हो गई है, देन मैं इसको ड्रेन करूँगी। मैक्रोनी मेरी फुली डन हो गई है As you can see, अब मैं इसको ड्रेन करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेन करके। छन्ने में मैंने इसको ड्रेन कर लिया, अब मैं इस पर ठंडा पानी डाल दूँगी अच्छी तरह से ताकि ये ठंडी हो जाए और आपस में जुड़े नहीं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है चिकन बनाने के लिए मैक्रोनी की, बट उससे पहले जो है मैं इसमें जो है वो गाजर को जो है ना वेल्डन कर लूँगी, क्योंकि मुझे कैरेट्स जो हैं वो वेल्डन पसंद है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। यहाँ पे आपने 2 और 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। इसमें आपने कैरेट्स को जो है वो सौते करना है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये हार्ड जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा दूसरी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम क्रिस्पी रखेंगे, कैरेट्स को जो है बस जो है ना वेल डन कर लेंगे। जब ये स्टीम हो जाए तो आपने इसको ऊपर से कैप कवर कर देना है और थोड़ा लो फ्लेम पे इसको जो है ना सॉफ्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी। फ्लेम को मैंने लो करना है, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हो जाएगी 2 से 3 मिनट के अंदर। कैरेट जो है वेल डन हो गई है। अब इसके बाद मैं जो है चिकन बनाने जा रही हूँ। चिकन बनाने के लिए आपने यहाँ पे पैन में ऑयल लेना है थोड़ा सा। इसको इस प्याले को मैंने हाफ लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून एंड जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून 1 टीस्पून। इसको आप मिक्स कर लें और ध्यान रहे कि फ्लेम जो है आपने मीडियम पे रखना है। ठीक है, ये मीडियम पे फ्लेम रखना है। सॉल्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और टू टेस्ट। कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून और टू टेस्ट। इसके बाद चिली सॉस आप इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून। सोया सॉस इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून। सिरका इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून। ओइस्टर सॉस में इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून।
हॉट सॉस आप डाल दें इसमें 1 टेबलस्पून और टू टेस्ट। मस्टर्ड सॉस आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून। ये बात टोमेटो केचप आप इसमें ऐड कर दें 1/2 कप। आप चाहे तो इसमें चिली टोमेटोज यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक वाली गार्लिक जो है, या मैं तो यहाँ पे प्लेन यूज़ कर रही हूँ। आप जो है अपने फ्लेवर के हिसाब से, आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप गार्लिक वाली यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें सारे इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। और चिकन भी हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो कि वेजीज़ हैं, ठीक है। इसमें मैं वेजीज़ ऐड करना शुरू कर देती हूँ। और अच्छा ध्यान रहे, वेजीज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सो हमने क्रिस्पी रखना है। यहाँ पे मैंने एक छोटी कैबेज ले ली है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक छोटा कैप्सिकम, मीडियम साइज़ का कैप्सिकम ले लिया है। स्प्रिंग अनियंस मैंने 4 स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 कैरेट्स ली थी जो कि मैंने पहले से फ्राई कर लिए थे। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 3 eggs, बीटन एग्स जो हैं वो मैंने फ्राई करके रखे हैं, उसको भी ऐड करना है। इसमें जो है मैंने इसमें कैरेट्स और फ्राइड एग्स भी ऐड कर दिए हैं। 3 eggs लिए थे मैंने, इनको फ्राई कर लिया था, ठीक है। और कैरेट्स, इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और 1 or 2 मिनट्स जो है ना सिर्फ सौते करना है। देख सकते हैं इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक हल्की आँच पर पकने रखूँगी। आँच आप देख लें, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। वेजीज़ को अब मैं मिक्स करूँगी मैक्रोनी में। यह हमारी मैक्रोनी है, इसको मैंने थोड़े लो फ्लेम पे रख दिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लास्ट में स्प्रिंग अनियंस के जो ये ग्रीन पार्ट ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियंस का। और इसके अलावा इसमें मैं मिक्स करूँगी मिक्स हर्ब्स। यहाँ 2 टेबलस्पून जैसे मैंने मिक्स हर्ब्स ले लिए हैं, इसको बस मिक्स करना है एंड देन बस फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको हमने कुक नहीं करना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है मैक्रोनी मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आप घर में ज़रूर ट्राई करें। इसको मैं डिश आउट भी करके दिखाती हूँ आपको। और ये बहुत ही क्रिस्पी इसकी वेजीज़ हैं और जो है वो चिकन भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त है, आप ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करें। ये वेजीज़ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डन हो गया, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं अब इसका और इसको डिश आउट कर देते हैं। ये इसका फाइनल लुक है, रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी। ये आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट है। आप मुझे ट्राई करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत यम्मी। इसके साथ आप मज़ीद इसको थोड़ा सॉसी करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद अपने टेस्ट के हिसाब से केचप ऐड कर सकते हैं। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ फिर दूसरी रेसिपी में मुलाकात होती है, दूसरी किसी वीलॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।